नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे, मुख्य सचिव बहाना है, अफसरशाही पर निशाना है। उत्तराखंड में अफसरशाही बेलगाम है, ये चर्चा हाल के दिनों में काफी देखने को मिली है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले अफसरशाही पर ही काम किया और सबसे पहले त्रिवेंद्र राज में सबसे मजबूत अधिकारी के रूप में रहे मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हटाकर एसएस संधू को मुख्य सचिव बनाया और अब आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को अपना अपर प्रमुख सचिव बनाया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अफसरशाही की कार्यशैली से खासे नाराज हैं और अभी अफसरशाही में और बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि क्या मुख्य सचिव को हटाकर बेलगाम अफसरशाही सही हो जाएगी, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बेलगाम होती अफसरशाही की लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन से ही सक्रिय हो गए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुख्य सचिव ओम प्रकाश की छुट्टी कर 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया। इसके बाद अब आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को अपना अपर मुख्य सचिव बनाया है। जानकारी के मुताबिक अभी नौकरशाही में कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अफसरशाही की कार्यशैली से खासे नाराज हैं। इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री ने खुद एक कार्यक्रम में की है। तो तीरथ जी वहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे थे तो कुछ अधिकारी आईएएस आईपीसी पीसीएस और आईपीएस आईएएस सब बैठे हुए थे और उस समय तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे जब तक मैंने शपथ नहीं ली और उनके आने पर वो खड़े भी नहीं हुए। मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। उनको उनको कहीं ऐसा लग रहा हो कि भाई तीरथ सिंह रावत जी जो है चले गए हैं, अरे आप क्या है, आप तो मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैंने कहा मैं उनको बताना चाहता हूँ, तीरथ सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे। मैं आपको एक बात और बताऊँ, तीरथ सिंह रावत जी से मेरा व्यक्तिगत बड़ा लगाव रहा। वहीं मुख्यमंत्री के नौकरशाही में जारी इस फेरबदल का पार्टी ने भी स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कुछ अधिकारी खुद को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री ने नौकरशाही में फेरबदल कर कड़ा संदेश दिया है जिससे बाकी अधिकारियों को भी सुधर जाना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश गया है और जो अब तक नहीं सुधरे थे वो निश्चित रूप से सुधर जाएंगे और जनता की सेवा का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे एक्शन लेकर अधिकारियों का मनोबल गिरा रहे हैं। पिछले मुख्य सचिव ओम प्रकाश की तैनाती पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, वो भी बीजेपी के हैं। ऐसे में उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री ने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को गलत करार दिया। जनता पार्टी इसका मतलब अपने आप में अपने को विफल खुद करार कर रही है। जो पहले के मुख्यमंत्री थे दो, उन्होंने क्यों रखा हुआ था भ्रष्टाचारी आदमी को? अगर इनकी नज़र में वो असफल अधिकारी था तो जिन्होंने उसको नियुक्ति दी है तो वो असफल स्वयं हुए ना। फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या व्यक्ति की है? नीति और नियत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि जब 2017 का चुनाव लड़ा तो संकल्प पत्र बीजेपी का था या व्यक्ति का था? उस संकल्प पत्र पर क्या हुआ ये अपने सहूलियत के हिसाब से अधिकारियों को लाना और दूसरे अधिकारियों को मनोबल गिराना ये कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। ये कैसे आप सर्टिफिकेट देंगे कि ये भ्रष्ट है और ये जो आया है ये बहुत बेहतरीन है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप बांटेंगे? तो ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं कर्मचारियों में भी और अधिकारियों में भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में नौकरशाही की कार्य प्रणाली हमेशा विवादों में रही है। मौजूदा प्रचंड बहुमत की सरकार में भी अफसरशाही हावी है। इस बात की पुष्टि समय समय पर बीजेपी के ही मंत्री और विधायक कर चुके हैं और खुद मौजूदा मुख्यमंत्री इसको बयां कर रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। अफसरशाही के बेलगाम होने का अर्थ ये भी है कि जनहित से जुड़े कार्य भी प्रभावित होते हैं।
ऐसे में चुनावी वर्ष के चलते मौजूदा मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं। अब देखना यह होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री अफसरशाही पर लगाम लगा पाएंगे या नहीं। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। अफसरशाही निशाना है, अफसरशाही के आगे कई मंत्रियों को रोते देखा है हम लोगों ने। कई अफसर हरिद्वार में तैनात होकर टिकटॉक बनाते हैं लेकिन उनसे हरिद्वार का माहौल नहीं सुधारा जाता। एक घटना है आईपीएस महोदय की, आईजी साहब उनकी गाड़ी से पैसे गायब हो गए थे, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई लेकिन वो आईजी पद पर अभी भी तैनात है। उनके नीचे के जितने पुलिसकर्मी थे वो अभी भी सस्पेंड चल रहा है। कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस के गठजोड़ में नुकसान उत्तराखंड की जनता का होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा लेकिन उससे पहले मथुरा जोशी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए और नवीन परशाली जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा क्योंकि आप उत्तराखंड में चुनाव शुरुआत कर रहे हैं, आप 1 करोड़ 2 करोड़ सदस्य बनाने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा अफसरशाही का भी है, सिर्फ नेता ही क्यों, हर जनता का भी आदमी निकल के बोल रहा है कि ये अफसर साहब बड़ा बेरुखा है, इसके पास सीधे मुंह जवाब नहीं देता है। ये सारे मुद्दे हैं। देखिए, जो अफसरशाही को इस वक्त निशाना नई सरकार बना रही है उसके पीछे ये है कि व्यक्तिगत रूप से जो अपने लिए सुटेबल अधिकारी होता है उसको लाने की और जो सुटेबल नहीं है उसको निकालने की कवायद है, ताकि जो सत्ता का जो खेल है वो अपने विश्वास पात्र लोगों के बीच में खेला जाए। और ये हमेशा होता है, जैसे कि पिछले जो मुख्य सचिव से कहा जाता था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बहुत करीबी हैं, कोई किसी का करीबी है, कोई किसी का करीबी है और कुल मिलकर उत्तराखंड की लूट मचा रहे हैं। तो ये दिखावा मात्र है। अब आप 2-4-6 महीने बच गए हैं, इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। सरकार के पास जन कल्याणकारी कार्यों के लिए कोई समय बचा नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो सरकार कैसे काम दिखाई। इसी तरह की उलझुल घोषणाएं करके, अफसरों की अदला बदली करके और कभी कोई जुमले छोड़कर, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना 2-4-6 महीने का समय निकालेगी, जैसे कि वो कर रही है। आपने देखा होगा अभी ऊर्जा मंत्री ने एक जुमला अभी तक कोई प्रस्ताव ऐसा कैबिनेट में नहीं आया, तो 24 घंटे भी वो जुमला नहीं चल पाया। तो ऐसी घोषणाओं का और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो बचा कुचा समय है वो भी निकल जाएगा। जी सर, बिल्कुल। मथुरा जज जोशी जी भी है। मथुरा जी, आपने कहा है कि आपकी पार्टी ने कि मनोबल गिर रहा है, लेकिन शिकायत आपकी पार्टी के नेताओं को भी थी कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है उत्तराखंड में। जी मथुरा जी, आपकी पार्टी के ही एक नेता कह रहे हैं कि अफसरशाही पर निशाना साधने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसे अफसरों का मनोबल गिरा रहे हैं, लेकिन शिकायत आपको भी थी कि उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है। आप लगातार आपकी पार्टी के नेता कहते आ रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों देखिए बिल्कुल सही बात है, अफसरशाही हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफसरशाही हावी न होती तो इनके मंत्री कैसे इस तरीके की बात करते कि मेरा सेक्रेटरी मेरी बात नहीं मान रहा है। हरक सिंह जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वित्त वन मंत्री हैं, लेकिन उनका जो पीसीएफ थे जयराज जी, उनकी सुनते ही नहीं थे, वो सीधे मुख्यमंत्री से अपने काम करा के लाते थे। उनकी शिकायत थी, ऐसे ही सतपाल महाराज की शिकायत थी कि भाई उनका जो सेक्रेटरी है नितेश झा, वो उनकी नहीं सुनते थे। यशपाल आर्य की शिकायत थी कि परवन सचिव नहीं सुनते थे। तो ये तो नौकरशाही हावी थी, आज भी हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को बदला गया, एक बात बहुत साफ है ना कि सरकार भाजपा की है, अभी भी भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनको जब चीफ सेक्रेटरी को बदला गया तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अन्य अफसरशाही पर भी जाता है। और अगर आप इस तरह जब आप क्षमता होनी चाहिए ना, आप अधिकारियों से काम ही नहीं कर रहे, आप अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको अधिकारियों में कंट्रोल करना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा, उनको आपने लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन सरकार लगाम लगाने में विफल रही, काम देने में विफल रही और अधिकारियों को कंट्रोल करने में विफल रही, इसलिए ये स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, अपनी कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी। जो सुनने में आ रहा था कि जो बातें कि 3-4 दिन पहले सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक के नाते जब वहां गए
तो चीफ सेक्रेटरी ने अपने काम करने की असमर्थता जगाई तो जाति उन पर कुंडल निकाल दी और उनको हटा दिया, जो सुनने में आया आप ही के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको भी सुनने में आया है। तो हमारा कहना है कि ये परंपरा गलत है, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी किसी अधिकारी से नहीं पट रही है तो आप उसे जाति दुश्मनी निकालें, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालें, ये नहीं होना चाहिए। अधिकारियों से काम लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आप बदमाश से बदमाश, भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी से भी आप काम ले लें, काम चोर अधिकारी से भी आप काम लें, तब आपकी खूबी मानी जाएगा कि आप सब कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी भी है, आपके कंट्रोल में सब कुछ है, तो तब हम इस बात को मानेंगे। और आज जो प्रदेश की हालत है वो बहुत बुरी हालत है। निश्चित रूप से तमाम विधायकों की शिकायत है, अन्य लोगों की शिकायत है कि अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं करते हैं, तो ये पूरा माहौल बना हुआ प्रदेश में, और इसको निश्चित रूप से भाजपा को तोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज कोई काम होने वाला नहीं है। कितनी घोषणाएं कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, काम उसी ब्यूरोक्रेसी ने करना है, उसी कार्यपालिका ने काम करना है, उन्हीं वही अधिकारी हैं, उनसे ही आपने काम लेना है। नीरज कोहली जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक सवाल मेरा आपसे, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं जब शपथ लेने जा रहा था और कार्यवाहक मुख्यमंत्री उस वक्त तक तीरथ सिंह रावत थे, तो मैंने देखा कि तीरथ सिंह रावत जी वहां पर आ रहे थे और कोई अधिकारी खड़ा नहीं हुआ। और उसके बाद एक तो ये सवाल, दूसरा सवाल, आपने बहुत देखा है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा कभी कोई मंत्री ये कहे कि मेरा पीएस मेरी बात नहीं सुन रहा है? वो रोने लगे, हरक सिंह रावत के आंसू आ गए कोविड काल में आंखों से। सतपाल महाराज, यशपाल आर ने कह दिया ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते, इनसे कहो कुछ, ये सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। सर ऐसा कब हुआ? नहीं, देखें कि ऐसा है कि पिछले 21 वर्षों से जितना हमने उत्तराखंड को देखा है, एक तो सीधी सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता रही है उसका प्रतिकूल प्रभाव सीधा सीधा प्रदेश के डेवलपमेंट पे और प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे, हर चीज पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मतलब जो हमारा टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमने एक सपना संजोया था या जो हमारे लोगों ने शहादत दी इस राज्य के निर्माण के लिए, वो कहीं भी जो है हम लगता नहीं कि अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुँच पाए हों। उसकी वजह ये रही कि हमने 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री देख लिए, मतलब हर दो साल में एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड में चेंज हो रहा है। और अजय विक्रम सिंह हमारे प्रथम चीफ सेक्रेटरी थे जब राज्य बना था, और अब एस एस संधू साहब जो हैं 17वें हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, तो मतलब आप देखें कि 17 मुख्य सचिव बदल गए। तो राजनीतिक, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब कितना प्रतिकूल प्रभाव पूरे स्टेट पर पड़ता है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर आता है वो ब्यूरोक्रेसी के हेड को भी अपने हिसाब से लेके आएगा, और जब ब्यूरोक्रेसी का हेड बदलेगा तो नीचे भी सारी चीज़ें बदली जाएंगी, क्योंकि सबका अपना एक विज़न है, सबकी एक कार्य, अपनी एक कार्य संस्कृति है और एक कार्य क्षमता है। अब रही बात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो शपथ ग्रहण वाला आपने जो वाक्या बताया, और ये हमारे संज्ञान में भी है इस बात को। हमारे यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि जब भी चीफ मिनिस्टर रिजाइन देते हैं और उसके बाद अगर ओथ एक दो दिन बाद होनी होती है, और एक स्वाभाविक बात भी है, तो राज्यपाल इस्तीफा कबूल करने के बाद एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्हीं को कार्यभार सौंप देते हैं। तो आप ये देखेंगे जब तीरथ सिंह रावत जी गए थे तो वो एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और इस तरीके से मतलब जिस तरीके की बात निकल के आ रही है कि मतलब आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ, जो कल तक आपके मुख्यमंत्री भी थे, आप उनके नीचे काम कर रहे हो और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार हो, तो बड़ी खराब चीज है। मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद अपने भाषण में मैंने देखा कि उन्होंने इस बात को कहा है। और एक सीधी सी बात यह है कि मुख्यमंत्रियों को, मैंने जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वो आते ही मुख्यमंत्री ये जरूर कहते रहे हैं कि अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलें, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। पर हमने ये देखा है कि ये एक जो चेतावनी है या एक मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री जो एक अपना बयान देते हैं वो एक तकिया कलाम सा बन गया है। तकिया कलाम इसलिए बन गया कि हर चीफ मिनिस्टर को ये कहते हुए सुना है हमने, लेकिन उसका जमीनी असर हमें नजर नहीं आया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी में भी सब लोग, सारे अधिकारी एक समान नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हमने इसी उत्तराखंड में बहुत अच्छे, बेहतरीन, योग्य और काबिल अफसर भी देखे हैं जिन्होंने अच्छी कार्य संस्कृति के साथ और अच्छी कार्य क्षमता के साथ इस स्टेट को आगे बढ़ाया है। और ऐसे भी बहुत सारे अफसर हैं जो नाफरमानी करते हैं
और जो अपना मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जो है इस स्टेट को अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए बार बार चीफ मिनिस्टर को या कैबिनेट मंत्रियों को कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपने हर सिंह जी का जो जिक्र करा, देखिए मैं तो सीधा से एक बात कहना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि अगर ब्यूरोक्रेसी से या किसी भी अधिकारी से अपने लिए या अपनी जनता के लिए कोई वाजिब काम करवाने में अक्षम साबित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर उस जनप्रतिनिधि को रहने का कोई उसका मतलब नहीं उठता। क्योंकि जनता जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि जनता खुद जाके जो है अपने आप को, जब वो सफर करती है, स्ट्रगल करती है, उसे पता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमारी वहां तक पहुंच है, तो उसे एक सहारा चाहिए होता है। सहारा वो जनप्रतिनिधि बनता है उसका, और जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर जो है जनता के कामों को रिप्रेजेंट करता है। और जब जनप्रतिनिधि भी अगर फेल हो जाएगा तो जनता किसके सहारे जाएगी, और फिर जनता को जनप्रतिनिधि चुनने का फायदा क्या हुआ? तो ये तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल सही बात है, ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, और जो अफसर काम नहीं करते या नहीं करना चाहते या जिनसे काम नहीं हो पा रहा, तो उन ऐसे लोगों पर जो है खाली कहने से बात नहीं चलेगी। पिछले मुख्यमंत्री को तो हमने देखा कहते हुए, मौजूदा मुख्यमंत्री ने भी एक चेतावनी जारी की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह के अफसर जो हैं, जो नाफरमानी करने वाले अफसर हैं या जिनका व्यवहार जनता के साथ या जनप्रतिनिधियों के साथ ठीक नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का असर जो है ना जमीन पर भी दिखना चाहिए। तब कहने का फायदा तभी है जब उसका असर भी जमीन पर दिखेगा। बिल्कुल, विनोद सुयाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विनोद जी, सिर्फ मुख्य सचिव को बदलने से क्या पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो अफसर मनमाना रूप अपना अपनाए हुए हैं, वो चाहे किसी के पीएस हो या किसी विभाग के सचिव हो या किसी विभाग के हेड हो, वो सब कुछ सही हो जाएगा? हर नया मुख्यमंत्री आएगा और मुख्य सचिव को बदलेगा और सोचेगा कि सारे ब्यूरोक्रेट सही हो गए? लगता है विनोद जी तक हमारी आवाज़ है, आप सब हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तमाम नेता, वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, हर बार मुख्यमंत्री से शिकायत होती रही है कि ब्यूरोक्रेट्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन फिर मुख्य सचिव बदले गए, इसका क्या कुछ फल निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जलता चर्चा की ओर। हमारे साथ विनोद सुयाल जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या मुख्य सचिव बदलने से अफसरशाही में जो तानाशाही चल रही है वो बदलेगी? देखिए, हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो ब्यूरोक्रेसी को परिवर्तन की बात है, वो निश्चित रूप से एक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि समय समय पर ब्यूरोक्रेसी में परिवर्तन एक आवश्यक आवश्यक हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है और इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो किसी भी स्थान पर कोई लंबे समय तक रहेगा तो ये वो एक तरह की वहां पर मोनोपोली की संभावनाएं बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन एक स्वाभाविक परिवर्तन है। हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो उत्तराखंड राज्य के दूर छोर से लेकर और मैदान के सभी पूरे भूभाग को अच्छी तरह जानते हैं और उनको पूरा अनुभव है राजनीति का, किस स्तर पर किस तरह का काम हो रहा है। वो स्वयं दो बार एमएलए भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ उन्हें पता है, उसका अनुभव भी उन्हें है। उसी के आधार पर जो परिवर्तन उन्होंने किए हैं और जो वो परिवर्तन आगे करेंगे उसे निश्चित उत्तराखंड राज्य के विकास को और गति मिलेगी और हम सबको भी इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। विनोद जी, स्वागत किया जा रहा है, बिल्कुल इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है कि एक प्रोसेस है उसके तहत वो बदले गए हैं, लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया
कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं, कोई अधिकारी बैठा हो और खड़ा ना हो। यशपाल आर्य शिकायत करते हैं कि परिवहन सचिव मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यशपाल आर्य की अगर बात, सतपाल महाराज उनके पीएस उनकी बात नहीं सुनते हैं, हरक सिंह रावत के पीएस उनकी बात नहीं सुनते हैं। 4.5 सालों में ये सब अपने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अच्छी बात है आप मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करें, लेकिन जिस मंत्रालय या जिस मंत्री के आप अंडर में, आप उनकी बात तो सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो भी सुनवाई नहीं है। देखिए ऐसा है, किसी भी स्तर पर ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। किसी राजनीतिक दल और किसी व्यक्ति किसी पार्टी की सरकार से संबंध नहीं है इसका। लोकतंत्र में रूप से जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, विधायक है, ये उनसे नीचे की इकाई भी है। मैं तो और भी नीचे के स्तर पर जाना चाहूंगा, चाहे हमारे विधायक है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत के मेंबर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जो चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनकी बात को निश्चित रूप से जो हमारी सरकारी तंत्र है और जो हमारे नौकरशाह है या हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको निश्चित रूप से उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं और उन्हीं के माध्यम से जनता की बात आती है। अब इस स्तर पर अगर कहीं किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही करता है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की जिन लोगों की भी मुझे लगता है कि मनोवृत्ति है, उनकी समय समय पर उनकी छटनी भी होनी चाहिए और उनके बारे में उनको पुरस्कार और दंड का भी दोनों तरह का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो लोकतंत्र है उसका सही ढंग से उसका निर्वहन हो सके, जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन पर जनप्रतिनिधि भी खड़े उतर सके और जो जनता चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से वो निर्णय हो भी सके। जी एक हिस्सा बताया है किसी अधिकारी को चेंज करने का, नए मुख्यमंत्री आए उन्होंने नया मुख्य सचिव ले आए। नवीन जी, हम ये बताना चाहते हैं कि ठीक है अधिकारियों की अदला बदली होती है, लेकिन अदला बदली के बाद आप ये कहते हैं कि हमने ये देखा हमने वो देखा, ये सारी चीजें आपको इस कार्यकाल के अंतिम पड़ाव यानी कि तीसरे मुख्यमंत्री बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, भाजपा की सरकार को समझ में आ रहा है। मैंने बार बार कहा है कि इस सरकार के पास करने को कुछ नहीं है, ये अदला बदली लोगों की अदला बदली करके उथल पुथल करके कुछ से कुछ एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धरातल पर अब कुछ करने का समय नहीं बचा है। जो बागे का कार्यकाल है उसको किसी तरह से पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटी है और उसमें जो ये उछल कूद हो रही है और ये दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और मशीनरी को सरकारी मशीनरी को इधर से उधर कर रहे हैं, जितने लोगों की बात जितने भी सरकार के जितने लोगों की बात अधिकारियों ने नहीं मानी उसका सीधा सा कारण है कि मंत्रालय ने या मंत्रियों ने कोई ऐसा जनहित का काम उनको नहीं बोला होगा, सारे अपने काम बोले होंगे, अधिकारियों ने मना कर दिए होंगे, क्योंकि अधिकारी व्यक्तिगत काम किसी का नहीं करेगा। यहाँ पर अधिकतर भ्रष्टाचार में सारे कुछ लिप्त है पूरी मशीनरी, अब आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ कराएंगे और या तो कोई राज वो आपके जानते हैं मंत्रियों के, क्योंकि अधिकारी अगर किसी मंत्री के सामने दमखम के साथ खड़ा है और मंत्री रो रहा है, इसका मतलब वो अधिकारी उस मंत्री की किसी नस को जानते हैं, उनके पास कोई चाबी है, वो समझते हैं ये किस लायक है, इसलिए नहीं मान रहे। अगर ईमानदार मंत्री हो, जनता का काम करने वाले सरकार हो, तो क्यों नहीं मानेंगे अफसर? क्या उनको नौकरी नहीं करनी है? क्या वो नौकरी करने के लिए नहीं आए? वो भी तो सेवा के लिए आए। लेकिन आपकी वो नियत और नीति होती है उसको देखते हुए सरकारी अधिकारी भी समझते हैं कि आप किसी काम के नहीं है और आपकी मॉनिटरिंग कुछ नहीं होती है, इस वजह से ये लोग सब जी। विनोद सोयल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये आप पार्टी के प्रवक्ता नवीन जी की बात पर मुझे घोर आपत्ति और मुझे लगता है कि बहुत बचकान निर्वाचित जनप्रतिनिधि और जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि, ये भी क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है और मुझे लगता है कि पदाधिकारी हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह से ये कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, मुझे लगता है कि इन्हें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मुझे लगता है सब लोग दिल्ली में इसी तरह से जो है तो ब्यूरोक्रेसी से मिलकर जो है तो शायद भ्रष्टाचार ही करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्येक पर शक हो रहा है। मेरा इनसे अनर्गल प्रलाप न करे, इनके पास कोई ठोस साक्ष्य और कोई आधार हो, आधार के आधार पर इन्हें बात करनी चाहिए। इस तरह से ये किसी पर जो है तो कीचड़ नहीं उछाल सकते और इस तरह की प्रवृत्ति से इनको बचना चाहिए। इन्हें मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर इनका यही धर्म यही काम धंधा है। पूरा हो जाने थे नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगा। नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा, विनोद जी की बात पूरी हो जाए तब आप अपनी बात को रखें। विनोद जी
सभी जो है जनता की सेवा में लगे हुए, और इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये जुमलाबाज पार्टी है आपकी सुयाल जी, जुमलाबाज पार्टी। इतने शब्द से काम नहीं चलेगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नीरज कोहली जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। नीरज जी, आपने सारे दलों को सुना, तीनों दलों को आपने सुना। आपने सुना कहीं कोई कह रहा है मंत्री भ्रष्ट है, कोई बता रहा है कि इससे मनोबल गिरता है, कोई कह रहा है ये एक प्रक्रिया है। थोड़ा आप इस पर चर्चा करें। पिछले बात बोलने से पहले विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा, नवीन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। नीरज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने तीनों दलों को सुना, कोई एक बता रहा है कि इससे मनोबल गिरेगा अधिकारियों का, कोई बता रहा है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है, इसमें चेंज होता है, और नवीन जी कह रहे हैं कि मंत्री भ्रष्ट है तो कैसे उनकी बात कोई सुनेगा। नीरज जी, आप बात हो रही है उत्तराखंड की, आप ले जा रहे हैं उसको दिल्ली, कभी बॉम्बे, कल को लंदन की बात, आप बात ही उसी तरह कर रहे हैं। नवीन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बात को सुने भी, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप शांत हो जाइए, और विनोद सोयाल जी आप भी शांत हो जाइए। नवीन जी, अभी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा, आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको समय दूंगा पूरा। सामने लाइए, आपके पास कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो उसे तथ्यों के सामने प्रकट कीजिए। नवीन जी और विनोद जी, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप दोनों शांत हो जाएं तो मैं किसी इस डिबेट को आगे बढ़ा सकूं। आरोप लगाया, फिर कोर्ट में माफी मांगी लोगों से कि मैंने गलत कह दिया। विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा, नवीन जी आपको भी रोकना चाहूंगा। नीरज जी आपसे मेरा सवाल है, आपने सारे दलों को सुना, और कोई कह रहा है एक प्रोसेस है, बीजेपी कह रही है प्रोसेस है, कांग्रेस कह रही है इससे मनोबल गिरता है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ अधिकारी इसलिए हावी है क्योंकि मंत्री भ्रष्ट है। नीरज जी, नहीं नहीं देखें, ये तो पिछले 21 सालों का इतिहास देख लें, जो भी टीम का कप्तान होता है आपने देखा होगा, वो टीम जो है अपने हिसाब से बनाता है, अपने हिसाब से टीम चाहता है, वो चाहता है कि सहयोगी मेरे हिसाब से होने चाहिए। तो सेना अध्यक्ष भी जब होता है तो उसकी अपनी पूरी की पूरी सलाह और वो सारा का सारा उसका जो रोड मैप होता है, जो विजन होता है, वो अपने हिसाब से चाहता है कि मेरी सेना में किस तरह के लोग हों और किस तरह से काम करने वाले लोग हों। तो यहाँ 11 मुख्यमंत्री रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं सबने अपने अपने हिसाब से बदलाव भी किया है और अपना रोड मैप भी बनाया है, अपने विजन को भी इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें तो आप चीफ मिनिस्टर पर सवाल नहीं उठा सकते कि उसने चीफ सेक्रेटरी को कोई चेंज कर दिया, अभी तो वो ब्यूरोक्रेसी में और दो चार दिन में पूरा चेंज करेंगे, सवाल वो नहीं है, वो सब मुख्यमंत्री करते आए हैं। किस मुख्यमंत्री ने नहीं करा 11 में से, 11 के 11 मुख्यमंत्रियों ने चेंज करा है, अपने हिसाब से टीम बनाई है। लोग जो हमारे यहाँ से प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली गए हुए थे लोग, उनको भी वापस बुलाया है, जैसे संधू साहब को ये लेके आए हैं। सवाल उन सब चीजों का नहीं है, ये एक प्रोसेस की चीजें हैं, मुख्यमंत्री करें और करते रहे, उस पर कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टेट को डिलीवर क्या हो रहा है, जो स्टेट के लोगों को, जो जनता को जो उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, जो जनता ने 57 विधायकों का जो प्रचंड बहुमत इस जनता ने दिया है बीजेपी को, और बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था, ये वायदा किया था कि साहब दो इंजन लगा दे, एक छोटा इंजन यहाँ लगा दो, बड़ा इंजन दिल्ली के अंदर है, जब डबल इंजन हो जाएगा तो इस डबल इंजन की पावर देखना और फिर देखना स्टेट में कैसा डेवलपमेंट होता है। सवाल यह है कि पिछले 4.25 सालों में मुख्यमंत्रियों ने, बीजेपी के जो दो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो भी बदलाव करे, अपने हिसाब से स्टेट को चलाया, हमें दिया क्या, जो जनता से उन्होंने वायदे किए थे, जो जनता की उनसे उम्मीदें थी, जो अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बहुत बड़े बड़े 2017 में वायदे किए थे, उस पर क्या खरा उतरे हैं, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, कितना डिलीवर किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद तो काम नहीं करेगा, नीचे तो ब्यूरोक्रेसी काम करती है ना, तो क्या वो काम लेने में सक्षम साबित हुए हैं, सवाल ये है। और अभी भी सवाल ये है कि वो बदलाव करें, चेंज करें, क्योंकि अब समय कम और चुनौतियां ज्यादा रह गई हैं, 5-6 महीने का समय रह गया है, उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद कुछ होना नहीं है। तो सवाल यह है कि इन 6 महीने के अंदर वो मैक्सिमम क्या डिलीवर कर सकते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि टीम कैसी बना रहे हैं या कितना बदलाव कर रहे हैं, हमें मतलब यह है कि हमारे स्टेट में जो काम रुके हुए हैं, जो पेंडिंग काम है, उनमें कितनी तेजी आएगी, वो काम कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, या जनता को जिन कामों से उम्मीदें हैं उन कामों पर कितनी रफ्तार से काम होगा, या जनता को जिन चीजों में राहत मिलनी चाहिए उन उस पर कितनी तेजी से राहत मिलेगी, सवाल उस पर है। इससे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरा इस पे सवाल करना मुझे लगता है बेईमानी सी साबित होता है कि भाई आपने इनको बदलाव कर दिया, इनको बदलाव कर दिया, वो टीम के कप्तान हैं, पार्टी ने उनको कप्तान बनाया, तो वो टीम अपने हिसाब से बनाएंगे, वो अपने हिसाब से बनाए, अपने हिसाब से स्टेट को चलाएं, लेकिन स्टेट को डिलीवर होना चाहिए मैक्सिमम, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो टीम उस पर खरा उतरनी चाहिए, बस सवाल ये है सबसे बड़ा। बिल्कुल, टीम का कप्तान अपनी टीम को बनाए और अच्छे से उस टीम वर्क करे, तब तो पता है चलता है कि टीम का कप्तान भी अच्छा और टीम का जो वाइस कैप्टन, मुख्य सचिव की अगर बात की जाए, तो वो भी एक तरीके से काम अगर सही से करेंगे तो
इतना चेंजमेंट की जरूरत नहीं होगी। मतलब कांग्रेस नेता मथुरा दास जोशी जुड़े हुए हैं। मथुरा जी, आपने कहा कि मनोबल गिरता है, लेकिन ये तो एक प्रोसेस है। 17 सचिव बदले गए हैं, मुख्य सचिव, और ये आपके कार्यकाल में भी हुआ है। मथुरा दास जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? मथुरा दास जी बोलिए। मेरा सवाल था आपसे, सिर्फ बीजेपी पे ही क्यों? इतने 21 सालों में 17 से 18 सचिव बदले गए, उसमें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, तो क्या उस टाइम भी मनोबल गिरा था? देखिए, अभी जोशी जी की आवाज दब गई, जैसा अभी। हेलो जी, आवाज आ रही है जोशी जी? आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जैसा अभी कोहली जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कोहली जी ने, कि जब भी कभी परिवर्तन होता है, अगर टीम का कप्तान बदलता है, तो वो टीम के सदस्यों को अपने अनुसार, बिल्कुल सही बात है, होता भी यही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, तो कप्तान बदला, बाकी के बाकी खिलाड़ी वही है, 12वें खिलाड़ी जो कप्तान नए कप्तान आए, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से भी स्टाफ अपने नियुक्त करते हैं, और होता आया है, कोई बात नहीं, परंपरा है, एक बात है। लेकिन एक बात बड़ी ताजुब की बात है कि आपने भी अंतर किया है, और आपकी जो डिबेट का विषय है वही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तत्कालीन वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ अधिकारी उठे नहीं, और मैंने अपनी आंख से देखा, अधिकारी सुधर जाए, मैं उनको ठीक कर लूंगा, मैं देख लूंगा, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन मुझे तो ताजुब लगता है, महाराज आप तो मुख्यमंत्री हैं, अगर कोई अधिकारी आपने देखा और वो गलत काम कर रहा था, गलत व्यवहार कर रहा था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का सम्मान नहीं कर रहा था, तो आपने उन अधिकारियों के नाम खोलने चाहिए, ये अधिकारी गलत कर रहे थे और इनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप केवल धमकी देना चाह रहे हैं, ब्लैकमेल या अपनी व्यवस्था करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उन अधिकारियों को सस्पेंड हो जाना चाहिए था, निलंबित हो जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई होनी लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। खाली मुख्यमंत्री जी केवल एक बात कहना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं कि अगर आप गलत करोगे तो ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन कहीं कुछ करने वाले हैं। अपना समय और लोगों ने काटा, 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह जी काट गए, ये भी अपना समय काटेंगे, कोई ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल नहीं होना है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही बेलगाम रहेगी जैसे अभी तक है, और यही सिस्टम चलेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है जी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही चलेगी, ऐसे चलती आ रही है। सवाल है मथुरा दास जोशी जी का। सम्मानित प्रवक्ता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विषय कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के संबंध में कि उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, ये सारा प्रक्रिया इसी में आता है कि किसी को बदल देना, किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को वो कर देना, ये सारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसका प्रथम भाग यही से प्रारंभ होता है कि उसमें बदलाव किया जाए। जो अधिकारी अपने जिस सीट पर बैठा हुआ है, उस सीट पर अगर सही ढंग से कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसका बदलाव किया जाए। एकदम से किसी को, मुझे लगता है कि एकदम से पनिश करना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो नौकरशाही और पूरे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत योग्य अधिकारियों की बहुत बड़ी फौज है, और जो राज्य के अंदर अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे भी होंगे जो निकम्मे होंगे, तो निश्चित रूप से समय समय पर उनकी भी छटनी होनी चाहिए और उनका भी चिन्हीकरण का काम रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं अपने सभी जो अन्य राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है खासतौर से, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने
उनको अपने कार्यकाल पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिए, और हम हमारी आलोचना करने से पहले पहले अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय का जो हमारा विचार है, अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस तक विकास की किरण पहुंचे, ऐसा हमारा विचार है। और मुझे लगता है कि हमारे नेता पुष्कर सिंह धामी जो युवा नेता हैं, जो एक गरीब घर से चलकर आए हैं, एक सैनिक के बेटे हैं और एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है उत्तराखंड राज्य, और दूरस्थ मुझे लगता है कि पिथौरागढ़ के वेरीनाग से बहुत लंबे दूर से चलकर जिन्होंने एक मुख्यमंत्री का मुकाम हासिल किया है, हमें पूरा विश्वास है और हमें पूरा उत्तराखंड के युवाओं को से लेकर सभी को उनसे पूरी आशा है, और निश्चित रूप से वो उत्तराखंड की जनता के आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे और यहाँ के विकास की गति को और तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से विकास की कई सौगातें उत्तराखंड राज्य को अभी मिली है केंद्र के द्वारा, और भी जो प्रोजेक्ट है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का सरकार कितना विकास कर रही है दिख रहा है। हम लोग आया था नीरज कोहली जुड़े हुए। नीरज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे समय दीजिए, एक मिनट का समय दीजिए। जी जी पूरा समय सर। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य विकास के राह पर सरपट दौड़ेगा। दो साल ये कोविड के कारण जो है तो विकास की गति धीमी हुई है। इस स्थान पर कोई भी राजनीतिक दल राज कर रहा होता तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन आने वाला समय उत्तराखंड विकास के राह पर सरपट दौड़ेगा। ये राज्य एक सरसब्ज राज्य और एक सुंदर राज्य बनेगा, ऐसा हम सब का प्रयास। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रारंभ किया था, निश्चित रूप से वो और तेजी के साथ विकास विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। जी नीरज जी, मेरे को सुयाल जी के इस बयान पर काफी आपत्ति है कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी माना कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो उस समय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे जिनका शपथ ग्रहण के समय जिनके साथ अशोभनीय व्यवहार हुआ, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि उनका संदर्भ देते हुए कहा है कि अफसर या तो अपनी कार्यशैली बदलें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और मैंने जैसे शुरुआत में ही अपने बयान में यह बात कही थी कि मुख्यमंत्री आते हैं अपने अपने तौर तरीकों से इस तरह की चेतावनी देते हैं, लेकिन उस चेतावनी का असर जो है जमीन पर नहीं दिखता। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान ले लिया, मैं जोशी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, इस बात का संज्ञान ले लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है, तो उनको संज्ञान लेने के बाद तत्काल से इस प्रकरण पे जांच बैठा देनी चाहिए, और जिस जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो, जो भी जिस भी अधिकारी का इसमें रोल रहा हो, उसके खिलाफ बिल्कुल जो कार्रवाई बनती हो नियम अनुसार वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 100%। क्योंकि अगर आपने एक मैसेज देना है और आप कह भी रहे हो, ये मैसेज तभी जाएगा, खाली बोलने से नहीं जाएगा, जब उसका जमीन पर असर दिखेगा। और सुयाल जी एक बात कह रहे थे कि ये किसी को रखना या किसी को हटाना ये उसी की श्रेणी में आता है कि भाई उन्होंने अपने अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। मैं सुयाल जी को एक चीज बताना चाहता हूँ, प्राथमिक प्रक्रिया आपको पूरा होने दे, नीरज की बात को पूरा हो जाने, फिर मैं आपको समय दूंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा, पहले नीरज जी की बात को कम्प्लीट हो जाने दीजिए। सुयाल जी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि सर्विस रिकॉर्ड में ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो पनिशमेंट के दायरे में नहीं आती कि आपने किसी को यहाँ रखा और यहाँ को किसी को हटा दिया, पनिशमेंट के दायरे में नहीं आती, वो पनिशमेंट नहीं है, वो दंड के दायरे में नहीं आती। अगर आपने कोई अफसर अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कृत कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए और आगे बढ़ाइए, और भी जो पुरस्कार देना आप दो, और जो अफसर काम नहीं कर रहा और जो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, अगर जनप्रतिनिधियों के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ अफसरों का अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो आम जनता तो फिर इसका मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करती। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी सहमत हूं आपकी इस बात। हाँ तो आप कार्रवाई कर भी है, बिल्कुल मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अफसर के खिलाफ, उनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उस प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं किया गया, ये मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी आंखों से देखा और वो एक कार्यक्रम में कह भी रहे विनोद जी इस बात को कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वहां आते हैं और कोई अधिकारी खड़ा नहीं होता है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बात मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में कहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ी बात है कार्रवाई होगी कब? क्या सिर्फ ट्रांसफर होते रहेंगे उन्हें कि या उन्हें कोई सख्त कार्रवाई की मांग है ब्यूरोक्रेट्स में? जब तक नहीं होगी तब तक ऐसा होता रहेगा। विनोद जी देखिए निश्चित रूप से जो जिसका कर्तव्य है वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, और अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सभी को सजग रहना चाहिए, और जो जिसकी ड्यूटी है उसको उसका पालन करना चाहिए। किसी भी तरह से जो हमारे
जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान लोकतंत्र में बना रहना चाहिए, क्योंकि जनता उन्हें 5 साल के लिए निर्वाचित करती है और उनके द्वारा जो उनके द्वारा कहा जाता है वो लगता है कि वो क्षेत्र की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे युवा नेता और हमारे बहुत ही अनुभवी पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर खड़े उतरेंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ उत्तराखंड आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड की जनता को कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनके साथ जो हमारे वरिष्ठ नेताओं की जो कैबिनेट की टीम है उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। और चाहे ब्यूरोक्रेसी से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की बातें हो या अन्य जो भी किसी भी प्रकार के कहीं पर भी जो नियम तोड़ने वाली या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी प्रकार का कोई मामला हो उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से जो है तो उस पर कड़ाई से जो कार्रवाई होगी और आने वाले समय में उत्तराखंड एक सुंदर और मुझे लगता है कि एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित होगा, ऐसा हमारी आशा है। और ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, जो विजन है, वो भी यही है। और हमारे जो सरकार के हमारी केंद्र की जो सरकार है उनके द्वारा भी इस राज्य के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं प्रोजेक्ट समय अवधि के साथ पूरे होंगे और इस राज्य के यह राज्य एक अच्छा राज्य बने, इस राज्य में युवाओं को रोजगार मिले, इस राज्य में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, इस राज्य के अंदर पलायन रोका जा सके, इस राज्य के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ सके, ये सारे प्रयास माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं और पहले भी किए जा रहे थे। कोविड के कारण कुछ कठिनाई आए तो निश्चित रूप से आने वाला समय हम सबके लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए एक सुखद समय आएगा, ऐसी हमारी कामना है। मेरा सवाल है, आप काफी लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति को देख रहे हैं, आपने कई मुख्यमंत्रियों को भी देखा, क्या ये घटना जो पुष्कर सिंह धामी ने बताई, माननीय मुख्यमंत्री ने बताई ये घटना कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में कोई खड़ा नहीं हुआ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री, इससे पहले कभी उत्तराखंड में घटना हुई? देखो इस लेवल पर हुई हो मेरे संज्ञान में नहीं, क्योंकि लेकिन मैंने देखा है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन की, जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बहुत तमाम घटनाएं हमने देखी हैं, बहुत तरह देखी है, जो ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक कलेक्टर के बाहर मेयर को धरने पे बैठा देखा है मैंने, ये विनोद चमोली जी जो आज मौजूदा समय में हमारे विधायक हैं, ये मेयर थे और मैंने खुद देखा इनको कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरने में बैठे हुए देखा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों या और भी जिस लेवल पे हों, वो ब्लॉक प्रमुख हों तमाम हों, उनको भी थोड़ा सा अपना डेकोरम, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा और अपना क्या स्टेटस हमने रखना है, थोड़ा सा उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जब आप रखोगे, आप मजबूत हो गए और आप जानकार हो गए तो मुझे लगता है कि फिर किसी अधिकारी की जल्दी से हिम्मत भी नहीं होगी कि आपके प्रोटोकॉल का वो वायलेशन करे, आपका उल्लंघन करे। तो कहते हैं ना कि अगर मुखिया अगर दमदार है सख्त है, कप्तान अगर दमदार है सख्त है ऑलराउंड और वो हर तरह की पारी खेलना जानता है, उसको ज्ञान है बहुत ज़्यादा, तो फिर टीम के खिलाड़ी अपने आप ही काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर हमने अगर कोऑर्डिनेशन ना बनाया, अपने कप्तान के साथ अच्छा संपर्क या तालमेल ना बनाया तो कहीं कभी भी हमारा टीम से बाहर होने का नंबर लग जाता है, तो वो माइंडसेट उस हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ टीम के लीडर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमने तिवारी जी को देखा, एन डी तिवारी साहब को भी देखा है और खंडूरी जी को भी देखा है, निशंक जी को भी देखा है, विजय भवना को भी देखा, हरीश रावत जी को भी देखा है, कोश्यारी जी को भी देखा है, देखा सबका, देखा सबका अपना अपना एक अलग विजन था, सबका एक अपना अलग काम था। लेकिन तिवारी जी और हरीश रावत जी में जो हमने देखा, जो क्वालिटी देखी हमने उनके अंदर, जो लीडरशिप क्वालिटी देखी, खंडूरी जी के अंदर भी जो हमने डेकोरम देखा, मतलब मुख्यमंत्री ने सबने अपने अपने तरीके से काम करा लेकिन सबकी कार्यशैली और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। निश्चित ही बिल्कुल जब आप दमदार तरीके से काम करते हो तो उसका एक इंप्रेशन, एक प्रभाव जो है आम लोगों में भी। हमने तिवारी जी को तो ऐसे देखा कि तिवारी जी भी तो मीटिंगों में के अंदर जो ऑफिसर्स कभी कोई गलत बात भी कह देते थे या गुमराह करने की कोशिश करते थे तो वो अपनी सीट से खड़े होकर उनको खड़ा करवा देते थे। वो सारी चीजों को हमने देखा अपनी आंखों से। तो ये अपने आपके ज्ञान के ऊपर, आपके जो राजनीतिक आपका अनुभव है, आपका अनुभव है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो टीम के कप्तान को सख्त होना पड़ेगा, वही मेरा कहने का मतलब, आप नीचे बहुत सारी चीजें बदल रहे हो लेकिन आपको दमदार पारी खेलनी पड़ेगी। जब आप दमदार पारी खेलोगे तो आपके नीचे के लोग अपने आप ही खेलेंगे, आपकी टीम के जो और सदस्य हैं, जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, आपके सहयोगी हैं, वो भी देखेंगे यार हमारा कप्तान दमदार तरीके से काम कर रहा तो अब हमें भी भैया इनके साथ जो है बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के चलना पड़ेगा। और ब्यूरोक्रेसी का उस पर बिल्कुल असर, सीधा प्रभाव पड़ता है।
तो ब्यूरोक्रेसी ने भी तो देख रही है इस राज्य को कि यार हर दो साल में मुख्यमंत्री बदल रहा है, जो मुख्यमंत्री बदलता है वो सब चीजें बदल देता है। अब ब्यूरोक्रेसी को यही नहीं पता किसी कलेक्टर को कि मुझे एक जिले में 6 महीने रहना है या 8 महीने रहना है या 5 महीने रहना है, क्योंकि यही निश्चित नहीं है कि मुखिया कौन होगा। तो पहले तो ये सब चीजें जो है ना हम लोगों को ठीक करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो हमने पूरे स्टेट का हालात खराब कर रखा है, पूरा एक मतलब पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बन गया है, उत्तराखंड एक अलग ऐसा उदाहरण बन गया है कि 11 सालों में जो है 21 सालों में आपने 11 मुख्यमंत्री दे दिए और पिछले 21 वर्षों में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य रह गया जो आज तक अपनी स्थायी कैपिटल नहीं डिसाइड कर पाया, बिना मुख्यालय के चल रहा है। तो ये हमारी कमजोरियां है ना, जब हमारी कमजोरियां होंगी तो ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी इस बात का फायदा उठाते हैं नीरज जी, और लगातार इसीलिए मंत्रियों को अनसुना करते हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधियों को उसको समझते नहीं, वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो। कई बार जैसे आपने विनोद चमोली जी का नाम सुना, ऐसी तमाम खबरें मैं भी पढ़ चुका हूं जहां पर वो मेयर, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत या कोई भी नीचे स्तर का कोई भी नेता होगा तो उसकी अधिकारी सुनते ही नहीं है। जब वो मंत्री की नहीं सुनने को तैयार है, वो इसीलिए उनको लगता है कि यहां पर कुछ स्थिर नहीं है, यहां सब अस्थिर है, तो हमारा मुख्य सचिव जब तक हमारे साथ है या हमारे सीनियर हमारे साथ है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कहा ना, राजनीतिक अस्थिरता का जो है ना स्टेट के हर सेक्टर में प्रभाव पड़ता है उसका, हर सेक्टर में प्रभाव पड़ता है उसका। ब्यूरोक्रेसी पे तो बिल्कुल इंपैक्ट इसलिए पड़ता है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इसने सारा काम करना होता है और ब्यूरोक्रेसी को पता है कि भाई ये मुख्य, आप देखिए ना कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 4 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल गए हमारे, तो ये देश क्या होगा इस स्टेट में, मतलब आप कैसे अपने रोड मैप को आगे ले जाओगे, कैसे अपनी योजनाओं को पूरी करोगे। एक मुख्यमंत्री का जो विजन होता है वो अपने तरीके से होता है, तीरथ सिंह जी आए थे उन्होंने अपना एक रोड मैप अलग बनाया था, अपना एक विजन बनाया था, उन्होंने अपना काम करने का तरीका उनका अलग था, उन्होंने काम शुरू किया, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया, कुछ चीज़ों पे रोल बैक किया, अब तब तक दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, अब ये कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ों को रोल बैक करेंगे। तो हर व्यक्ति का, हर नेता का अपना एक अलग विजन होता है चलने का, उसमें क्या है कि जो स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी उसमें बहुत अवरोध पैदा हो जाता है, और यही वजह है कि 21 सालों में उत्तराखंड को जहाँ होना चाहिए था, जो हमारा लक्ष्य था, हम पहुँच ही नहीं पाए। जो हमारी समस्याएं थी मोल, मतलब हम स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बेरोजगारी में, और पहाड़ों से जो पलायन का है, जो पहाड़ों में डेवलपमेंट को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत पिछड़े हुए हैं आज भी इसी वजह से। बिल्कुल विनोद सिवाल जी, हम अभी इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि हम लोग की राजनीति में उत्तराखंड की स्थिरता नहीं है, हर बार एक बदलाव होता रहता है राजनीति में। कोहली जी ने जो कुछ विषय रखे हैं, कुछ विषय उनके अच्छे हैं, लेकिन कुछ विषय में उनके जो निराशा है वो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 2 वर्षों के अंदर पूरे विश्व का ही वातावरण इस तरह का रहा कि सारा समाजी अस्त व्यस्त था, पूरा सिस्टम ही अस्त व्यस्त था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो, इस राज्य का विशेष महत्व भारतीय जनता पार्टी की नजर में रहा है, केंद्र की सरकार की नजर में रहा है, और इस राज्य को छोटा राज्य होने के बाद भी बड़ा महत्व दिया गया है, चाहे वो हमारा विकास के रूप में हो या अन्य अन्य किसी भी रूप में हो, चाहे आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य को इतना बड़ा महत्व दिया है और उत्तराखंड राज्य के अंदर इतनी महान प्रतिभाओं ने जन्म लिया है कि जो देश के अंदर नाम रोशन कर रही है, चाहे हमारे सेना में आर्मी के चीफ हों, चाहे हमारे अजीत डोभाल जी हों, चाहे हमारे अन्य अन्य और भी लोग हैं। अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी सौगातें दी हैं कि जिस ट्रेन के हम केवल सपने देखते थे वो कर्णप्रयाग तक पहुंचने वाली है, जो ऑल वेदर रोड जो जिसमें जो है तो लोग सड़कों के किनारे जाम में फंसे रहते थे, वहाँ सड़कें जाने वाली हैं, एयर कनेक्टिविटी के बारे में बहुत अच्छा काम होने वाला है, जो बिजली के हमारे प्रोजेक्ट थे उन पर बहुत तेजी के साथ काम होने वाला है, जो हमारे सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट थे वो दूर दराज जो है तो जो हमारे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है उनमें लगने वाले हैं, हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंदर जो है तो बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जबकि यहाँ केंद्र के यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने बड़ी दरिया दिली के साथ उत्तराखंड राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया जिससे यहाँ पर उद्योगों की भरमार लगी, उन्होंने इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही नहीं किया, उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वो हम सबके सामने, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा जो भी नेता है कार्यकर्ता है उसका उत्तराखंड राज्य के प्रति विशेष लगाव है, और हमारे केंद्र में इस समय जो नरेंद्र भाई मोदी है उनका उत्तराखंड राज्य से विशेष लगाव है, उन्होंने अपने
जीवन का जो अध्ययन का अवकाश का जो उनका समय था, जिस समय में उन्होंने जो है तो अपना अध्ययन किया है, उन्होंने उत्तराखंड के दूरस्थ हिमालय क्षेत्र में भी अध्ययन किया है, वो यहाँ की सारी परिस्थितियों के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी है। आज हम देख सकते हैं कि सड़कों का इतना अच्छा जाल उत्तराखंड राज्य के अंदर बीत चुका है, इतना बढ़िया जो है तो इतने सुंदर जो है तो सड़कें बन चुकी है, यहाँ से दिल्ली जाए, यहाँ से जो है तो पीछे से देखेंगे टनकपुर वाली सड़क देखेंगे, जितने भी यहाँ से दिल्ली देहरादून से दिल्ली की सड़क देखेंगे, अभी और भी रेल की भी कई लाइनें जुड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और राज्य के हमारे प्रदेश के जो हमारे सरकार है वो भी लगातार इस राज्य को कैसे जो है तो अच्छे एक खूबसूरत राज्य के रूप में विकसित किया जाए उसके लिए 13 राज्य 13 डेस्टिनेशन का जो काम किया गया है वो भी किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कोविड ना आता तो उत्तराखंड राज्य पर्यटन का एक बहुत अच्छा सुंदर राज्य बन सकता है। बिल्कुल विनोद जी, हमारे साथ संजय भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, आप नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय भट्ट जी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर हम लोग सवाल कर रहे थे, आप थोड़ा विलंब हो गया, इससे पहले तक परशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको मुद्दा पूरा पता ही है किस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी थी उत्तराखंड में और अभी भी है, लेकिन नए कप्तान के आने से कुछ बदलाव की उम्मीद जगी है। सवाल दोहरा देंगे? मैंने कहा नए कप्तान के मिलने से कहीं ना कहीं एक आशा जगी है कि ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा डाउन किया जाएगा जो हावी है अब तक उत्तराखंड में। देखिए, कप्तान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उत्तराखंड में हर 3 महीने में मुख्यमंत्री बदलना, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को पूरे देश में बदनाम कर दिया। पहले इन्होंने वो सीएम दिए TSR 1 के रूप में जो जीरो वर्क सीएम थे, फिर इन्होंने दूसरे सीएम दिए TSR 2 जो जीरो विजन सीएम थे, अब ये तीसरे सीएम दिए हैं। अब जो ये पूर्व सीएम हैं इनकी जो पेंशनें जा रही हैं, ये जो फ्री का सब उपभोग उपयोग करेंगे वो सब पढ़ना तो उत्तराखंड की आम जनता के ऊपर ही है सारा भार। उनको एक OSD मिलेगा, एक पुलिस अधिकारी मिलेगा, सुरक्षा गार्ड मिलेंगे और न जाने क्या क्या मिलेगा पूरे जीवन भर। तो क्या ये बार बार मुख्यमंत्री बनाकर उत्तराखंड जो आज भी लगभग 60,000 करोड़ के कर्ज में है उसे और कर्ज में डुबा देने के लिए किया गया है, किस लिए किया गया है? और जहां तक लगाम की बात आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगेगी तो अच्छा होगा, लगाम लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद आपको क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, जब 4.5 साल लगभग एक सरकार के निकल गए हैं तो 6 महीने में क्या 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 कर लेंगे, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। असल में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े ऐसी बातें करती हैं, अभी सुयाल जी भी बहुत बहुत सारी वखान कर रहे थे कि ये कर दिया उत्तराखंड में, ये बना दिया वो, मतलब उत्तराखंड जैसे एकदम स्विट्जरलैंड बन गया हो पिछले 20 साल में। सुयाल जी की बातों से तो कुछ कुछ मुझे ऐसा आभास होता था, पलायन खत्म हो गया, शिक्षा बहुत अच्छी सरकारी मिल रही है, 3,000 स्कूल बंद नहीं हुए, 23% बेरोजगारी नहीं है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्वास्थ्य की बहुत अच्छी हालत हो गई, कोई हमारी गर्भवती माता बहन जिन्हें 15-15 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर डांडी कांडी चार पे लेके आना पड़ता है वो नहीं हो रहा है। सुयाल जी की बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को स्वर्ग बना दिया है। तो मैंने 2 साल में इनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं, कोरोना टेस्ट में लाखों कोरोना फर्जी टेस्ट हो रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ लूट और बंदरबांट उत्तराखंड की इन्होंने की है। इनके काल में या दूसरी सरकार रही उनके काल में, कोई ये कहते हैं कि उन्होंने 56 घोटाले कर दिए, वो कहते हैं इन्होंने 65 घोटाले कर दिए, ये कहते हैं कि आपदा घोटाला कर दिया, फिर उन आपदा घोटाले वालों को अपने साथ मिला लेते हैं। तो इनका क्या कहें और क्या ना कहें, इन्होंने तो शायद स्वर्ग बना दिया है। अब हम क्योंकि स्वर्गवासी हैं सुयाल जी के अनुसार, तो हम लोग तो स्वर्गवासी हैं। विनोद जी जवाब दीजिए। आपकी पार्टी मुझे लगता है कि उन्हें अभी उत्तराखंड राज्य की धरती पर कदम रखे हुए नए नए आए हैं और वो सोच रहे हैं हम कि प्रोपगंडा करते रहें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालते रहें और ऐसे शब्दों का और अनर्गल आरोप लगाते रहें तो बिना प्रमाण के जो है तो घोटालों की बात करते रहें और इस तरह से उत्तराखंड राज्य की छवि को, महिलाएं इतनी दूर से आ रही हैं वो आ रही हैं और इस तरह से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले उत्तराखंड राज्य के पूरा एक बार जरा उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि कितनी संजय भट्ट जी बात को पूरा होने दे, विनोद जी की बात को पूरा हो जाने दे, फिर आप बोलिए, आपको भी समय दिया जाएगा, पहले इनकी बात को पूरा होने दे।
केजरीवाल मॉडल चलेगा, केजरीवाल मॉडल की तरह फ्री करने की घोषणा आपने कर दी। केवल एक खुद केजरीवाल मॉडल भारतीय जनता पार्टी मॉडल है। इस उत्तराखंड राज्य के अंदर ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। आप लोग प्रोपेगेंडा करते रहे, आपके प्रोपेगेंडा से उत्तराखंड की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 57 सीटें लेकर आई थी, आने वाले चुनाव में 60 प्लस लेकर आएगी। आप लोग जो है तो पहले अपना तामझाम जो है उसको ठीक कर लो, अनावश्यक रूप से कीचड़ मत उछालो। आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाणों को लेकर आओ और जनता के बीच में आओ। आप ऐसे ही जो है तो कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और खास तौर से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केवल जनता को जो है तो बरखलाने का प्रयास न करें, केवल प्रोपगंडा न करें। भारतीय जनता पार्टी ने इन दो वर्षों के अंदर कोविड का समय आया हो उसको भी बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करने का प्रयास किया है, चाहे ऑक्सीजन से लेकर रहा हो, चाहे वेंटिलेटर से लेकर रहा हो, चाहे सभी भी प्रकार की व्यवस्थाओं को पूरा करने का काम किया है। इस राज्य के लिए विकास के केंद्र सरकार ने विशेष प्रयास किया। मृत्यु दर दूसरे नंबर पर रही है, जब मेरा विषय समाप्त हो जाएगा, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर हो जाएगा, अभी बीच में बोलोगे तो मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं है। केवल कोई बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, यही आपकी आदत खराब है। आम आदमी पार्टी नए नए मूल्य हो, मेरे कहने का मतलब है कि अभी आराम से बोलिए, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पूरी मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लें आप पहले, पूरी मेरी बात आ जाने दीजिए। उसके बाद आप जितनी देर तक बोलना है, जितनी देर एंकर आपको समय देगा उतनी देर आप बोलिए। आप एक घंटा बोलिए मुझे मना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के कई सोपान स्थापित किए। उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के सब प्रयासों से बना है। उत्तराखंड राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत कुर्बानियां दी है। उत्तराखंड राज्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की माता बहनों ने बहुत कुर्बानियां दी है। यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य आ गया था, तब उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष राज्य का दर्जा दिया उत्तराखंड राज्य को, औद्योगिक पैकेज का दर्जा दिया उत्तराखंड राज्य को। बिल्कुल सोयाल जी, बहुत सारे पैकेज मिले और बहुत सारे लाभ भी मिला उत्तराखंड की जनता को। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मथुरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी पे लगाम कैसे लगाया जाए। नए कप्तान के आने से कुछ आशाएं जगी हैं, एक किरण जगी है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पर थोड़ा विराम लगेगा और वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी हावी है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा डाउनफॉल होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में ताई देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।